हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो जी टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक है कुंडली भाग्य। जैसे कि काफ़ी इंडियन टेलीविज़न शोज आजकल जनरेशन लीप के रूट में जा रहे हैं, वैसे ये सीरियल भी जल्द जनरेशन लीप लेगा, जो कि अराउंड 20 सालों का होगा, जिसके बाद शो की कहानी जो है का मेन फोकस नए लीड्स पर रहेगा। यानी कि जो अर्जुन और प्रीता हैं, इनकी डॉटर पर शो का फोकस मेन रहेगा। श्रद्धा आर्य सीरियल का हिस्सा रहेंगी, लेकिन जो शो के मेल लीड हैं शक्ति अरोड़ा मोस्ट प्रोबेबली सीरियल का पार्ट नहीं रहेंगे इस जनरेशन लीप के बाद। ये मैं चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, और ये भी बताया था कि देवत्मा साहा यानी कि शौर्यनो की कहानी और मिठाई फेम एक्ट्रेस भी इस सीरियल में हो सकती है। उन्होंने लुक टेस्ट वगैरह दिया है और वो फीमेल लीड प्ले कर सकती हैं, लेकिन अभी के लिए हमें नहीं पता उन्हें फाइनलाइज करा गया है या फिर नहीं, बट लुक टेस्ट और डिस्कशंस में वो डेफिनेटली थी। अब एक और एक्ट्रेस हमारे सामने आ रही हैं जो कि सृष्टि जैन है, जिन्हें मेरी दुर्गा सीरियल में देखा गया है। और गाइस, अब कुंडली भाग्य के मेकर्स के साथ ये डिस्कशंस में हैं और आपको जनरेशन लीप के बाद प्रोबेबली देखने को मिलेंगी इस सीरियल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इनका, ये अभी के लिए नोन नहीं है कि क्या ये लीड से पूरी तरह कनेक्टेड होंगे या फिर नहीं, या फिर किस टाइप का रोल है, अभी के लिए नोन नहीं है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर होगा इनका जनरेशन लीप के बाद कुंडली भाग्य में, जो कि ये प्ले करेंगी। आने वाले दिनों में सब बताऊँगा कैसा किसका करेक्टर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और जब कास्ट को एक्चुअली फाइनलाइज कर लिया जाएगा इस जनरेशन लीप के लिए। फिलहाल के लिए सब प्लानिंग फेज़ में, सब प्लान वगैरह किया जा रहा है अभी के लिए, डेवलपमेंट में है, लेकिन जनरेशन लीप आपको जल्द देखने को मिलेगा। जनरेशन लीप पे सारी अपकमिंग न्यूज़, डिटेल्स, न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। कमेंट्स में बताइए एक्साइटेड हैं फिर नहीं इस लीप के लिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।